भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने लगाया पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप, पुलिस को दिया एक सप्ताह का टाइम, नहीं तो होगा कमिश्नर ऑफिस का घेराव। मांगे राम त्यागी उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन ने हजारों किसानों के साथ निकाली रैली, किया मुरादनगर थाने में धरना प्रदर्शन। थाने की घटनाओं को लेकर भय, किसानों की रिपोर्ट दर्ज न होने पर किसानों में आक्रोश। भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष मांगे राम त्यागी ने SVP मसूरी नरेश कुमार को बताया कि किसानों के हर रोज ट्यूबवेलों पर से मोटर, बिजली की तार व ट्रांसफार्मर चोरी होने की घटना हो रही है, जिसमें पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है। मांगेराम त्यागी ने कहा कि अगर एक सप्ताह में पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ती है तो बहुत बड़ी संख्या में किसान कमिश्नर का घेराव करेंगे। सभी किसानों की रिपोर्ट दर्ज हो गई और बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। देखिए गाजियाबाद से रोजुद्दीन की रिपोर्ट। आज जो है मुरादनगर थाने का घेराव किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज घेराव किया गया था किसानों की ट्यूबवेलों पर से मोटर सीरियल वाइज चोरी हो, एक एक गांव में से 10-10 मोटर चोरी हो रही हैं, 5-5 मोटर चोरी हो रही हैं, 8-8 मोटर चोरी हो रही हैं। चोर बिल्कुल दुस्साहस तरीके से किसानों की एक साथ मोटरों का चोरी कर रहे हैं, सीरियल चोरी, जो मतलब एक चोरी नहीं कहेंगे, दुस्साहस कहेंगे, उसके खिलाफ आज यहाँ थाने का घेराव किया गया था और कई घंटे यहाँ घेराव चला है। पुलिस के आला अफसरों ने ये वादा किया है कि उन सब किसानों की रिपोर्ट दर्ज की जाएंगी अभी और खोली जाएंगी और मोटर बरामद किए जाएंगे। इस आश्वासन पर हम लोग माने हैं। एक हफ्ते का समय पुलिस को दिया गया है, पुलिस ने एक हफ्ते का समय मांगा है और एक हफ्ता हमने अपनी तरफ से दिया, दो हफ्ते का हमने समय दिया है। अगर दो हफ्ते में हमारे किसानों की मोटर बरामद नहीं होती, जो भैंस चोरी हैं वो बरामद नहीं होती, केबिल बरामद नहीं होते, जो पेड़ कटे हैं वो बरामद नहीं होते, वो चोर पकड़े नहीं जाते, उनके साथ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तो हम यहाँ फिर अब की बार अनिश्चितकालीन धरना देंगे SSP कार्यालय पर गाजियाबाद। थाने का घेराव किया गया है, काफ़ी बातें थी किसानों की जो आज आके यहाँ पर रखी हैं थाने में, क्या पूरे मामले थे इसके बारे में कुछ बताएं। भाई हमने 6 तारीख में सूचना LIO के द्वारा पुलिस प्रशासन को करी थी, पिछले महीने से लगभग 20-25 दिनों से चोरों ने आतंक गांवों में मचा कर रख रखा था, जिसमें एक साथ जो है 5-5, 6-6 ट्वेलों में कुंबल हो रहे थे, मोटर चोरी हो रही थी, केबल स्टार्टर चोरी हो रहे थे, कहीं ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, तो कई कई दिन के लिए ट्वेलों की बिजली गायब हो जा रही है। तो इन सब को लेकर गाँव में आक्रोश था बहुत ज़्यादा, तो किसानों से लगातार गाँवों से शिकायतें आ रही थी हमारे पास। हमने 6 तारीख में पुलिस प्रशासन को सूचना करी थी कि हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आज पुलिस प्रशासन भारी संख्या में पहुँचे, DSP साहब पहुँचे वहाँ, इंस्पेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते का टाइम भारतीय किसानों ने अराजनीतिक द्वारा पुलिस प्रशासन को दिया गया है कि अगर एक हफ्ते में नहीं ये चोरियाँ खुलती हैं, मोटर चोरी और स्टार्टर चोरी की, तार चोरी की, तो इससे भी एक मतलब 5 गुना किसान तैयार हैं गांव में, 5 गुना भीड़ यहां इकट्ठा होगी थाने पे। फिर अगर कितने लोग आज किसान जो थे मुरादनगर थाने पहुंचे? लगभग आज कम से कम 700 से 800 किसान यहां, और मतलब 50 ट्रैक्टरों की संख्या है, 500 गाड़ी हैं, बड़ी संख्या में आज किसान यहां मौके पे पहुंचा है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, कि ऐसे कितने मामले ऐसे पेंडिंग हुए हैं मुरादनगर थाने की तरफ से, जिस वजह से आज किसान को जो है सड़क पर उतरना पड़ा? लगभग 10 आदमियों के मामले पेंडिंग हैं यहाँ, 10 आदमियों को ने तहरीर भी दी है, सब कुछ करा है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन आज DSP साहब ने पूरा आश्वासन हमें दिया है कि अगर एक हफ्ते बाद नहीं होता तो हो सकता है कि हम इसको SSP साहब या DSP साहब के यहाँ भी ले जाएं धरने को, अगर कार्रवाई नहीं। पुलिस ने आपको आश्वासन दे दिया है? आश्वासन दिया नहीं, पूरा वादा उन्होंने अपनी तरफ से कराया कि हम एक हफ्ते के अंदर चोरी खोल के हमें वो इन्फॉर्म करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो भारतीय किसान राजनीति को कोई किराए के आदमी नहीं लाने हैं, गाँवों से संगठन जुड़ा हुआ है, गाँव में लोग तैयार हैं।